आज मैं बनाने जा रही हूँ टिंडे की सब्जी। टिंडे की सब्जी बनाने के लिए मुझे चाहिए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। और मसाले में मुझे चाहिए जीरा, हल्दी, धनिया, मिर्ची का पाउडर और कसूरी मेथी और हींग। उसके लिए ले ली है मैंने कढ़ाई और 2 टेबल स्पून ऑयल। अब जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। जब जीरा अच्छे से भुन गया है तब मैं डाल रही हूँ प्याज। ये मैंने सारे प्याज डाल दिए और अच्छे से चला दिया। जब प्याज रेड कलर का हो जाएगा, ब्राउन जब हो जाएगा, तब मैं इसमें डालूँगी टिंडे। ये मैंने सारे टिंडे डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से चला लूँगी कढ़ाई में और इसको एटलीस्ट 5 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी। ये मैं टिंडे को चेक कर लूँगी कि ये मेरे टिंडे पक गए हैं या नहीं। ये मैंने हैंड से दबा के उंगलियों से देख लिया है, अभी मेरे टिंडे पके नहीं हैं उतने अच्छे से। मैंने ढक दिया। अब मैं 5 मिनट बाद मैंने खोल कर देखा कि टिंडे कुछ पक गए हैं। और अब मैं इन टिंडों में ऐड कर रही हूँ टमाटर, और टमाटर के साथ डालूँगी मैं इसमें हरी मिर्ची, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि मेरे टिंडों में अच्छे से टमाटर मिक्स हो जाए और पक जाए। जब ये सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो गई तो मैं इसको एटलीस्ट 10 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी। 10 मिनट हो गए हैं। अब मैंने खोल कर देखा कि सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी हैं। तब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सारे मसाले, धनिया, हल्दी और मिर्ची का पाउडर। ये जब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी तब मैं इसे एटलीस्ट 5 मिनट के लिए और ढककर रखूँगी ताकि हमारे टिंडे थोड़े और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए कितनी कलरफुल मेरी सब्जी लग रही है, कितने अच्छी से पक चुकी है। लेकिन फिर भी मैं इसको 2 मिनट के लिए और ढक देती हूँ। मैंने अब खोल कर देखा है सारी पूरी सब्जी पक चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हींग। आप चाहे तो तड़का लगाते समय ही हींग डाल सकती हैं, लेकिन मैं सूखी सब्जियों में डालती हूँ हींग ऊपर से। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कसूरी मेथी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब ये सब्जी सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। साथ ही ऐड कर दिया है नमक भी और अच्छे से मिक्स कर दिया। इन टिंडों को ज़्यादा गलाना नहीं है वरना इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। ये देखिए हमारी टिंडे की सब्जी तैयार है। आप भी बनाइए। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।